आप सभी के लिए ये जानकारी काफी ज्यादा जरूरी है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके साथ भी इस तरह का धोखा हो सकता है। क्योंकि अब क्रिमिनल्स जो हैं वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करने के लिए, लोगों से पैसा लूटने के लिए अब क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर पुलिस की जानिब से इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, और जनरल पब्लिक से, आवाम से ये कहा गया है कि अब आप एहतियात बरतें, क्योंकि अब क्रिमिनल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों से पैसा लूटने के लिए, और आपको पता ही नहीं चल पाएगी कि आखिर ये पैसे कहाँ चले गए। क्योंकि आपका कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार बनकर आपको कॉल की जाएगी और आपसे पैसा लूट लिया जाएगा, और आप आवाज़ भी नहीं पहचान पाएंगे कि क्या ये वाकई में हमारा दोस्त था भी या नहीं था। बिल्कुल आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार जैसी आवाज़ निकालकर आपको कॉल की जाएगी, आपसे पैसे मांगे जाएंगे और आपका बैंक अकाउंट जो है वो खाली कर लिया जाएगा। क्योंकि अब जो क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉडलेंट्स हैं, वो लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, इस तरह के अलग अलग जो है वो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो वॉइस है ये एक न्यू साइबर क्राइम है, और आपको बता दें कि एप्पल iOS 7 और इसके साथ कहीं और ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो है आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार जैसी आवाज़ निकालकर आपको कॉल की जा सकती है और आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं। और पुलिस के जानिब से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हवाले से एक एडवाइजरी जारी की है, और एडवाइजरी में ये कहा है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि आपका जो है वो अकाउंट खाली किया जा सकता है, आपको लूटा जा सकता है। और इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस साउंड जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस साउंड का इस्तेमाल करके जो है आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे पैसे वसूलेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पैटर्न्स के ज़रिए जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स, वॉइस कॉल्स आपको भेजेंगे, आपके नंबर पर मैसेज भेजेंगे या आपको कॉल करेंगे, तो आपको ऐसे हथकंडों से जो है वो बचना होगा। और उसकी जो वॉइस होगी आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये वाकई किसी और की वॉइस है, आपको लगेगा ये मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार है। इस तरह की वॉइस जो है वो आपको भेजी जाएगी या इस तरह से आपको कॉल की जाएगी, आपको लगेगा कि ये वाकई में मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई रिश्तेदार है। लेकिन आपको एक चीज़ का ख़ास एहतियात बरतना है, जब भी आपको इस तरह की कॉल्स आएंगी या मैसेजेस आएंगे, तो आपने उस शख्स को, जो शख्स बनकर उसने कॉल की, जो दोस्त बनकर या रिश्तेदार बनकर, आप एक बार ज़रूर उस रिश्तेदार को कॉल करें, अपने पर्सनल नंबर से कॉल करें, उससे पूछें कि क्या आपने कॉल की भी थी या नहीं की थी। किसी के नंबर से भी आपको कॉल आती है तो आप उसके ओरिजिनल नंबर पर एक बार ज़रूर कॉल कर लें, ताकि आपको पता चल पाए। और एक और चीज़ है इन चीज़ों को पहचानने के लिए, इन सभी क्राइम्स को पहचानने का एक और जो तरीका बताया गया है वो ये है कि आप उसकी बात आराम से सुने। आप देखें कि डेली रूटीन में जिस तरह से वो आपसे बात करता है, क्या वो उसी तरह से बात कर रहा है, जो उसकी वॉइस है क्या वो उसी वॉइस में बात कर रहा है, क्या वो उसी पैशन के साथ बात कर रहा है। आप उसकी गलतियां ढूंढने की कोशिश करें, अगर आप उसकी गलतियां ढूंढ लेंगे तो जाहिर सी बात है आप ऐसे फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जो वॉइस है, जो वॉइस आपको भेजी जाएगी या जिस वॉइस में आपको कॉल की जाएगी, आप उस वॉइस को ओरिजिनल शख्स से जो है वो कंपेयर करें, उसकी वॉइस से कंपेयर करें, और उन दोनों के बीच जो है वो डिफरेंस देखने की कोशिश करें। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला था, आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है आपको ये वॉइस भेजी गई है या कॉल की गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, आप उस नंबर को रीचेक करें, आप देखें, आप उस ओरिजिनल पर्सन को कॉल करें, उससे पूछें कि क्या ये मैसेज आपकी तरफ से आया है, ये कॉल आपकी तरफ से आई थी, क्या आपको जो है वो पैसों की ज़रूरत है, यहाँ से आपको पता चलेगा। लिहाजा इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब मार्केट में ऐसे भी क्रिमिनल्स आ चुके हैं
जो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहुत करीबी बनकर आपका सारा पैसा जो है वो लूट लेंगे। लिहाजा खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसमें यह कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी कई ऐप्स का इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स आपसे पैसा लूटने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप ये एहतियाती तदाबीर बरतें ताकि आपका पैसा लूटने से जो है वो बच सके।